हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप एनसीपी बनाना चाहते हो हाइपरथर्मिया, पाइरेक्सिया या फिर फीवर के ऊपर, तो आप ये वाला फॉर्मेट और इसमें जो मैंने लिखा हुआ है ये सारा कुछ फॉलो कर सकते हो। सो इसमें से आप देखकर फॉर्मेट बना सकते हो और आपको समझ में भी आ जाएगा कि पायरेक्सिया है पेशेंट को, अगर फीवर है या फिर हाइपरथर्मिया है तो इससे रिलेटेड आप बना सकते हो। और अडल्ट का भी आप बना सकते हो क्योंकि ये तो पीडियाट्रिक का है, बच्चा है छोटा। बट अगर आप अडल्ट का बनाना चाहते हो तो ऐसे ऐसे बना सकते हो। बस आपको थोड़ा सा चेंजेस उसमें करने हैं एज में, एंड जो चीफ कंप्लेंट्स होती है उसमें भी आप बदल सकते हो। एंड जैसे कि टेम्परेचर वगैरह होता है, वाइटल साइंस होते हैं, इम्यूनाइजेशन, इसमें आप चेंजेस कर सकते हो बिकॉज ये पीडियाट्रिक के सब्जेक्ट में आता है। तो चलिए आप देख लीजिए अभी इसमें कैसे बनाया हुआ है। ये सबसे पहले फॉर्मेट है हमारा। सो उसके बाद ये वाला पेज आता है, तो इसमें पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, प्रेजेंट हिस्ट्री, सर्जिकल हिस्ट्री भी आप लिख सकते हो, नॉट सिग्निफिकेंट, बस आपको यही लिखना है। देन इसमें ये जो पार्ट होता है फैमिली कंपोजिशन का, ये आप स्किप कर सकते हो। फैमिली हिस्ट्री में आप लिख सकते हो कि जॉइंट फैमिली है या फिर न्यूक्लियर फैमिली है, छोटी है बड़ी है, ये लिखना है आपको। एंड फैमिली ट्री, और ये तो बनाना ही है आपको एनसीबी में, सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये। नेक्स्ट में फैमिली हिस्ट्री में आपको सेम एज इट इज़ लिख लेना है। इम्यूनाइजेशन अगर आप अडल्ट का बना रहे हो तो ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, पीडियाट्रिक में आता है। फिजिकल एग्जामिनेशन में हाइट वेट अकॉर्डिंग टू अडल्ट है तो उसका लिखना है, बच्चे का है हेड से तो इसमें ये नहीं आएगा, अडल्ट में ये चीज़ नहीं आती। वाइटल साइंस आप लिख सकते हो। नेक्स्ट न्यूट्रिशनल असेसमेंट, ये जो चीज़ें हैं फ्रेंड्स ये पीडियाट्रिक में आती है, तो ये आप बिल्कुल अडल्ट में, अडल्ट के एनसीपी में स्किप कर दो चाहे तो। बट अगर आप पीडियाट्रिक अपना रहे हो तो ये आप लिख सकते हो। वीडियो को पॉज करके आप सब कुछ नोट कर सकते हो। एंड देन यहाँ पे जनरल एग्जामिनेशन है, हेड टू टू फिजिकल एग्जामिनेशन, जो कि सभी एनसीपी में आता है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। देन ये नेक्स्ट पेज है के लिए बैक एक्सट्रीमिटीज़। तो एक्सट्रीमिटीज़ में आप ऐसे भी लिख सकते हो कि नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन, ये भी लिख सकते हो, नॉर्मल मूवमेंट ऐसे लिख सकते हो। ये रिफ्लेक्सेस हैं, रिफ्लेक्सेस आप पीडियाट्रिक का बना रहे हो तो लिखिए, और अगर तो जैसे कि अडल्ट का है तब नहीं लिखना है। रिफ्लेक्स में आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ऑल रिफ्लेक्सेस आर प्रेजेंट एट बर्थ, बस ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। एंड इन्वेस्टिगेशन है, देन ड्रग जो भी पेशेंट को चल रही है वो वाली ड्रग्स, देन यहाँ पे हमारी सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या है वो लिख देना है आपको। बाकी नर्सिंग डायग्नोसिस यहाँ से स्टार्ट हो जाता है हमारा नर्सिंग प्रोसेस, सो आपको ये नोट कर लेना है एज इट इज़। फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, जैसे कि फ्लूड वॉल्यूम डेफिशिएट रिलेटेड टू वॉमिटिंग भी आप लिख सकते हो, एंड लेस इनटेक आपको लिखना है, वॉमिटिंग लेस, ये नहीं आएगा, ये रॉन्ग है, ये जो है ये रॉन्ग मैंने लिखा हुआ है, सॉरी। यहाँ पे आएगा वॉमिटिंग और लेस इनटेक, ऐसा आपको लिख लेना है। और यहाँ पर भी जैसे कि पेशेंट को जब वॉमिटिंग होती है तो यहाँ पर आपको लिखना है, यहाँ पे आप लिखोगे पेशेंट मदर सेज दैट माय चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम वॉमिटिंग, ठीक है, माय चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम वॉमिटिंग, शॉर्ट में लिख रही हूँ आप समझ जाइएगा। एंड ये आपको सेम कॉपी कर लेना है, यहाँ से आप लिख सकते हो आप फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इज मेंटेन अप टू सम एक्सटेंट, ऐसे करके लिख देना आप। नेक्स्ट जो है वो ये वाला है, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन रिलेटेड टू पुअर इम्यूनिटी, सब आपको एज इट इज लिख लेना है। सो फीवर का एनसीपी है, किसी का भी है, इसमें बड़ा काम का है ये सारे डायग्नोसिस। एट द एंड हेल्थ एजुकेशन एंड बिब्लियोग्राफी, सो दिस इज बिब्लियोग्राफी एंड दिस इज एनसीपी। थैंक यू सो मच।